डॉक्टर स्ट्रेंज की जो फिल्म है वो यहाँ पे रिलीज हो गई है, लेकिन उस फिल्म को देखने का वन ऑफ द बेस्ट चीज होती है आईमैक्स, जो कि काफी बड़ी स्क्रीन होती है। इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक दे दूंगा आई बटन के अंदर, जाके चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा आईमैक्स क्या है। लेकिन अगर आपको उसे मोर नेचुरल तरीके से देखना है, यानी कि ऐसे तरीके से जैसे फिल्म बनी है, तो डॉल्बी एक काफी अच्छी चीज हो जाती है। यानी कि डॉल्बी का जब हम नाम सुनते हैं ना, तो हमेशा आता है ना कि आवाज इधर उधर से आएगी, लेकिन एग्जैक्टली कहानी बहुत अलग है। मतलब इतनी ज्यादा अलग है कि डॉल्बी अब ऑडियो के साथ वीडियो फॉर्मेट में भी है। वीडियो के अंदर बात करें, डॉल्बी विजन का यूज होता है, और एक राज की बात बताऊं, डॉल्बी विजन सिनेमा हॉल्स में भी देखने को मिलता है, टीवी पर भी है, मॉनिटर में भी, मोबाइल फोन में भी है, टैबलेट में भी है, क्या पता एआर वीआर ग्लास के अंदर भी आ जाए। वहीं बात करें डॉल्बी एटमोस है ना, वो भी ऐसी चीज जो कि एग्जैक्टली सिनेमा हॉल्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन घूमते फिरते आज के समय में ईयरफोन, मोबाइल फोन, टैबलेट, टीवी, स्पीकर, होम थिएटर सिस्टम हर जगह है। और एक अंदर की बात बताऊं, हर जगह अलग तरीके से काम करती है। डॉल्बी एटमोस के बारे में कभी डिटेल में और किसी वीडियो में बात करेंगे, उस वीडियो के लिए चैनल को यहां पे सब्सक्राइब कर लेना बिना किसी देरी के। लेकिन सबसे पहले बात करने वाला हूं आखिर डॉल्बी विजन, जो कि विजुअल ट्रीट देता है, और कोई भी अगर आप इमेज यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज देख लें, कोई भी मार्वल की बड़ी फिल्म देख लें, उसके अंदर आपको क्लैरिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। वेल, इसके वन ऑफ द की और रीजन, उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहता है कि डॉल्बी विजन एक HDR का स्टैंडर्ड है। HDR आप सब लोग को मालूम होगा, हाई डायनेमिक रेंज, जिसके अंदर जो क्वालिटी रहती है इमेज की वो बिल्कुल वैसी रहती है जैसी आपको नेचुरल है। यानी कि कलर्स ज्यादा विविड देखने को मिलते हैं, आपको डार्क देखने को मिलता है, यानी कि जो ब्लैक है वो ब्लैक देखने को मिलेगा, ग्रे देखने को नहीं मिलेगा। जहां पे लाइट आ रही है वहां पे चीज ब्राइट आपको बराबर देखने को मिलेगी, ये चीज होती है HDR। और रेगुलर HDR के वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे, काफी सही लगते हैं देखने के अंदर। लेकिन HDR के अंदर पूरी फिल्म बना रहे तो डॉल्बी विजन ज्यादा एक बेटर सेंस बनाता है, क्योंकि जो रेगुलर HDR 10 होता है वो उसके ऊपर एक बेटर व्यूइंग की टेक्नोलॉजी है, यानी कि बेटर HDR की टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहां पे मैं आपको एग्जांपल इस तरीके से दूंगा, या फिर इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि डॉल्बी विजन का काम यहां पे ये कि इस तरीके से दिखाना कि जिस तरीके से डायरेक्टर जो है वो मूवी को दिखाना चाहता है एग्जैक्टली स्क्रीन के ऊपर, कलर वगैरह कैसे रहे। अगर मैं सिनेमा हॉल का एग्जांपल, ज्यादातर सिनेमा हॉल्स में प्रॉब्लम क्या रहती है, जब फिल्म देखने आते हैं इमेजेस हल्के से वॉश्ड आउट होती है, इतनी ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलती नहीं। अगर हम कलर्स वगैरह बात करें, यानी कि डायनेमिक रेंज वगैरह देखें, तो उतनी क्रिस्प नहीं दिखती। कई बार तो लगता है मेरा मोबाइल फोन में इससे ज्यादा शार्पनेस दिख जाएगी, इससे ज्यादा कलर्स दिख जाएंगे। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ये चीज प्रॉब्लम को डॉल्बी वालों को पता थी, इसलिए डॉल्बी विजन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि HDR के स्टैंडर्ड को एनहेंस किया जा सके और यहाँ पे सिनेमा व्यूइंग के एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया जा सके। इसलिए 4K लेजर प्रोजेक्टर्स को लेके आए थे, और 3D फिल्म के लिए तो 2 4K लेजर प्रोजेक्टर्स रहते हैं, ताकि इमेज वॉश्ड आउट नहीं हो, डीप ब्लैक्स देखने को मिले और एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिले आंखों को। ये चीज में यहाँ पे डॉल्बी विजन की शुरुआत हुई थी। और रेगुलर HDR के तरीके से किस तरीके से अलग है? वेल, HDR का काम और डॉल्बी विजन का काम सेम तरीके से रहता है, लेकिन डॉल्बी विजन स्लाइटली सुपीरियर है। पहली चीज, इसके हर सीन या फिर हर फ्रेम बाय फ्रेम इसके अंदर मेटा डेटा चलता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि पीक ब्राइटनेस क्या होगी, लोएस्ट ब्राइटनेस क्या रहेगी। क्योंकि बात करें HDR का, एक रेगुलर स्टैंडर्ड ये बनाएगी 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस उसे चाहिए। अब एक बात बताओ, पूरी फिल्म क्या आप 1000 पीक ब्राइटनेस पे देख सकते हो? क्योंकि फिल्म के अंदर दिन के सीन होंगे तो उनको ज्यादा ब्राइटनेस लगेगी, लेकिन कोई रात का सीन है वहां तो लो ब्राइटनेस लगेगी ना। इसलिए डॉल्बी विजन का एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए डायनेमिक मेटा डेटा डाला गया, जिसका मतलब समझते क्या होता है? वो ये रहता है कि अब हर सीन बाय सीन, मतलब रात का सीन है तो 100 निट्स 200 निट्स की ब्राइटनेस काफी रहेगी, दिन का सीन है तो 1000 निट्स की भी ऊपर जा सकता है। बिल्कुल ये एक चीज यहां पे डाली गई ताकि लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिले। यानी कि HDR तो मिल रहा है, लेकिन HDR का एक बेटर एक्सपीरियंस यहां पे क्रिएट किया गया। हालांकि डॉल्बी विजन के लिए जो टॉप लिमिट है निट्स की वो 10000 निट्स है, लेकिन शायद टीवी, मार्केट में प्रोजेक्टर, ऐसी चीजें अभी अवेलेबल होंगी 10000 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करे। इवन जो रेफरेंस मॉनिटर्स वगैरह आते हैं वो 4000 निट्स तक रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी टीवी वगैरह जहां पे डॉल्बी विजन आता है वो आपको 1000 निट्स या कुछ 600 निट्स तक देखने को मिलता है। कुछ आपके मोबाइल फोन्स आते हैं 1500 निट्स 1300 निट्स पर डॉल्बी विजन दे देते हैं, फिर वो क्या हो रहा है? वेल, एग्जैक्टली बात कर रहे हैं तो 4000 निट्स एक आइडियल कंडीशन है, लेकिन अगर सही तरीके से अगर अप्लाई किया जाए तो एक काफी कम निट्स के डिस्प्ले के अंदर भी काफी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके चारों तरफ एम्बिएंट लाइट कितनी है। यहां पे पीक ब्राइटनेस का मतलब यही रहता है कि कुछ कुछ सीन के अंदर आपको ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, और इसलिए HDR 10 से थोड़ा सुपीरियर हो जाता है। इवन बात करें तो डॉल्बी विजन में यह भी बोला गया यहां पे 12 बिट के अंदर चलेगा, और 10 बिट 12 बिट 8 बिट में डिफरेंस रहता है कि
8 बिट में कुछ 20 लाख कुछ कलर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10 बिट के अंदर 1 बिलियन 100 करोड़ कलर आप देख सकते हैं, 12 बिट के अंदर लगभग आप 68 बिलियन कलर्स है। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे तरीके से चेक कर लिया, 12 बिट के डिस्प्लेस नहीं मिलते, 12 बिट का कंटेंट भी अवेलेबल नहीं इवन डॉल्बी विजन में, ब्लूरे डीवीडीज भी मैंने लाकर देखी है, ऐसी चीज अवेलेबल है ही नहीं। तो ये एक बात बता सकता हूं मैं आप लोगों को। लेकिन रेगुलर जो डॉल्बी विजन का कंटेंट है वो 10 बिट में ही देखने को मिलता है। और डॉल्बी विजन एचडीआर से किस तरीके से सुपीरियर है, ये सिर्फ टेक्निकल टर्म से सुपीरियर नहीं है, डॉल्बी को जब इंक्लूड करते फिल्म बनाने वाले तो वो अपनी टेक्नोलॉजी यहां पर प्रोवाइड करते और एंड टू एंड सॉल्यूशन देते, यानी कि फिल्म जब शूट होगी रॉ में उसके बाद जब इसकी प्रोसेसिंग वगैरह होगी, कलर ग्रेडिंग हुई, तब डॉल्बी वाले अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करेंगे जिससे उसके अंदर डॉल्बी विजन की कैपेबिलिटीज आ जाएगी, उसके बाद किस चैनल्स उसे ट्रांसमिट करना है वो सब ये लोग डिसाइड करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जिस डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं उसके अंदर भी डॉल्बी का सर्टिफिकेशन होता है, हर जगह स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस रहता है, इसलिए टेक्नोलॉजी रेगुलर एचडीआर के कंपैरिजन में सुपीरियर रहती है। और जिस किसी फोन टीवी में अगर आप डॉल्बी विजन देखते हैं तो जब भी आप उस टीवी डिवाइस को यहां पर खरीद रहे हैं तो उसका कुछ पैसा यहां पर डॉल्बी लेबोरेटरीज को जाता है, ये चीज यहां पर रहती है। इसके साथ ही बात किया तो तरह तरह के डिवाइसेस रहते हैं, हर डिवाइस के अंदर एक अलग खेल रहता है। मतलब मैं आपको बताता हूं एक एक करके, यहाँ पे सिनेमा हॉल के लिए डॉल्बी विजन 4K लेजर प्रोजेक्टर का यूज करके चलता है, जब हम टीवी में आते हैं तो इसके साथ ही बात है कि डॉल्बी विजन कंटेंट अगर मैं रेगुलर टीवी या किसी और जगह पर भी चलाऊं तो उसके अंदर फीचर रहता है कि डॉल्बी विजन अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो रेगुलर एचडीआर के अंदर भी दिखा सकता है। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ना, नेटफ्लिक्स जो रहता है वो डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आपके टीवी में डॉल्बी विजन की जगह सिर्फ एचडीआर का सपोर्ट तो आप उसे एचडीआर में देख सकते हैं। सिर्फ एक बेस लेयर उन्हें यहाँ पे क्रिएट करनी है, उसके बाद अलग अलग जगह उसे यहाँ पे दिया जा सकता है। तो इस तरीके उन्होंने यहां पे काम किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि हर डिवाइस के लिए यहां पे अलग तरीके से काम करती है। कहने का मतलब यहां पे ये प्राइमरली तो बनाया गया था सिनेमा हॉल्स वगैरह के लिए डॉल्बी सिनेमा को एनहांस करने के लिए एक्सपीरियंस, लेकिन बाद में इसका यूज पता है आपके टीवीज तक होने लगा, टीवीज में कंपनियां सर्टिफिकेशन ले लेती हैं और बाद में डॉल्बी वाले क्या करते हैं कि यहां पे अपने स्पेशल मोड्स को इंक्लूड करते थे, जिससे अगर आपने डॉल्बी विजन कंटेंट किसी भी टीवी पर चला उसमें सर्टिफिकेशन है वहां पे आपको मोड्स देखने होता है, डॉल्बी विजन ब्राइट, डॉल्बी विजन डार्क, इस तरीके से जहां पे उनकी पिक्चर प्रोफाइल यहां पे सेट है। और दोनों पिक्चर प्रोफाइल बहुत अलग तरीके से काम करती हैं, कहीं पे ब्राइट पे ज्यादा फोकस है, कहीं पे डार्क पे ज्यादा फोकस है। और इस तरीके से इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया, और इस तरीके से किया गया कि यहां पे अगर डायनेमिकली अगर हम एडजस्ट करें लाइट्स को तो एक अच्छा एक्सपीरियंस यहां पे क्रिएट किया जा सकता है। स्पेशली ये देखा जाए तो ये ओलेड टीवीज होते हैं ना वहां पे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि प्योर ब्लैक लेवल होते हैं और जब ऐसे प्योर ब्लैक लेवल आते हैं ना तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस यहां पे क्रिएट किया जा सकता है। इसके साथ ही बात करें मोबाइल फोन में डॉल्बी विजन काफी समय से है, आईफोन 12 सीरीज जब आई थी तब इसके अंदर रिकॉर्डिंग का जो फीचर है वो आईफोन में आया था कि नेटिवली जो आईफोन है वो डॉल्बी विजन एचडीआर में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और ये फीचर एप्पल ने अकेले डेवलप नहीं किया था, डॉल्बी के साथ मिलकर डेवलप किया था आईफोन के लिए। एंड्रॉइड में अभी फीचर नहीं आता रिकॉर्डिंग का, हालांकि एंड्रॉइड में आता है वीडियो प्लेबैक का, आईफोन आईपैड प्रो ये कुछ है डिवाइसेस जो कि नेटफ्लिक्स में डॉल्बी विजन सपोर्ट करते हैं। एंड्रॉइड में बात करें अभी तक सिर्फ पहले एलजी के कुछ फोन थे, लेकिन अब शाओमी के कुछ फोन से जिनमें डॉल्बी विजन देखने को मिलता है, जैसे बात करें शाओमी का मी 11 अल्ट्रा, 11 लाइट एनी, 11 टी प्रो, 12 प्रो, यही चार फोन है, और इसके साथ शाओमी का पैड 5, इनके अंदर ही डॉल्बी विजन का सपोर्ट है जिसके अंदर नेटफ्लिक्स में भी डॉल्बी विजन का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरे किसी मोबाइल फोन जो अभी इंडिया में मिलते हैं उनके अंदर सपोर्ट नहीं आ रहा है। इसके साथ ही जिन लोगों का डाउट है कि डॉल्बी विजन का कंटेंट कहां पे अवेलेबल है, वेल बात किए तो नेटफ्लिक्स में भर भर के हिंदी कंटेंट भी नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन के अंदर आ चुका है, यहां तक कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे डॉल्बी विजन का कंटेंट आपको देखने को मिलता है, और जो एप्पल टीवी प्लस है उसके अंदर भी, और जो एप्पल टीवी पे जो मूवीज रेंट सर्विस वगैरह रहती है उसके अंदर भी यहां पे चीज देखने को मिलती है। प्राइमरली ये तीन जगह जहां पे डॉल्बी विजन कंटेंट यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको और अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, एक ब्लूरे डीवीडी खरीदो, ब्लूरे डीवीडी प्लेयर लगाओ, तब एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसके साथ ही बात यहाँ पे कि अब एक नया टर्म आ गया यहाँ पे डॉल्बी विजन आईक्यू, और उसका मतलब ये रहता है कि एक एम्बिएंट लाइट सेंसर लगा दिया गया टीवी के पीछे जो ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे देखा है तो कौन सा कलर है, एम्बिएंट लाइट कैसी, उसके हिसाब से कलर ब्राइटनेस एडजस्ट करेगा। कमरे में दो ट्यूबलाइट चल रही उस हिसाब से ब्राइटनेस एडजस्ट करेगा, कमरे में एक नाइट बल्ब चल रहा है उस हिसाब से कलर ट्यूनिंग और ब्राइटनेस एडजस्ट करेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि परफेक्ट एक्सपीरियंस के लिए आपको बार बार रिमोट से अलग अलग चीजें छेड़नी पड़े, इन सब चीजों को कम करने के लिए चीज की गई। यहां तक कि डॉल्बी विजन ये गेमिंग के अंदर भी अवेलेबल है, जहां पे बात की जाए तो पीसी के अंदर अगर चाहे कंपैटिबल ग्राफिक कार्ड है और कंपैटिबल मॉनिटर है तो आप इसका मजा ले सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन इंप्लीमेंटेशन एक्सबॉक्स सीरीज एक्स में, जहां पे
कोई भी गेम आप खेल रहे हो उसे आप डॉल्बी विजन HDR के अंदर खेल सकते हैं। ये फीचर उन्होंने बहुत अच्छा डाला है। हाँ, ये कुछ चीज़ आपको देखने को मिलती है, लेकिन प्राइमरली टेक्नोलॉजीज इमेजेस को शार्प बेटर बनाने के लिए की गई थी सिनेमा हॉल्स के अंदर। अब देखा जाए तो इसको हर जगह यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। हालांकि इसके लिए कोई स्पेशल कैमरास नहीं लगते जैसे IMAX वगैरह के लिए लगते हैं, कोई स्पेशल एस्पेक्ट रेशियो नहीं होता। यहाँ पे बस ये रहता है कि फिल्म बनने के बाद, शूट होने के बाद यहाँ पे डॉल्बी की मदद से उसके कलर वगैरह को इन्हेंस और बेटर किया जाता है। वहीं बात करें डॉल्बी एटमॉस की, तो वो पूरा का पूरा साउंड का खेल है, और वो इतना बड़ा खेल है कि मोबाइल में अलग है और सिनेमा हॉल में अलग है, और दोनों का एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, उसको अब किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। बाय द वे, आपने डॉल्बी विजन में कंटेंट देखा कि आपने टीवी पे, क्या सिनेमा हॉल में, क्या मोबाइल फोन, टैबलेट, इवन लैपटॉप्स में भी देखने को मिलता है? आप अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बाय द वे, वीडियो कैसा लगा आपको लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, गुड देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।